और पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है, एक और मेडल मनु भाकर के नाम। पेरिस ओलंपिक में ये दूसरा मेडल मनु भाकर ने भारत को दिलाया। सरबजीत के साथ भारत को ये दूसरा मेडल मिलता हुआ, एक और ब्रांच भारत की झोली में। और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में ये सफलता मिली है। ओ ये जिन और ली वोन हो को हराकर ब्रॉन्ज मेडल भारत ने अपने नाम किया। दोनों ने 16-10 से ये मैच जीता है। एक ही ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय अब मनु भाकर बन चुकी हैं। तो पेरिस ओलंपिक में मिली सफलता से सरबजोत सिंह का परिवार काफी खुश है। लेकिन आपने लाइव नहीं देखा कभी? नहीं, लाइव नहीं देखा कभी सर। अच्छा, क्या चल रहा था मन में उस समय? मन में सर मैं जब ताड़ियां बजा दी, उसका मिठाई तो लाइए डब्बाइन के लिए, जब ताड़ी बजा दी पूरी खुशी होवा दी। अच्छा, जब अंदर ताड़ियां बजा दी उधर खुशी पूरी मिला दी। और ये वो लड्डू है कांस्य पदक जो जीता है सरबजोत ने, इनके पिता उनके कोच गौरव यहाँ पर मौजूद है। ये शूटिंग अकेडमी है यहाँ पर, और ये लड्डू जो खाया आपने ये बहुत बड़ा है। ये ओलंपिक का लड्डू है, ओलंपिक का, बिल्कुल ओलंपिक का लड्डू है। पर आपने कभी कोई मैच नहीं देखा? कभी नहीं देखा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई थी और ये इस कमरे में थे, क्योंकि कभी ये कोई मैच नहीं देखा और आज भी नहीं देखा, हमने पूछा था। अब फाइनली आप ओलंपिक पदक विजेता के पिता हैं। हाँ जी, हाँ जी, हैं बिल्कुल है जी, बिल्कुल हाँ जी। गौरव, 2016 में आपके पास जब सरबजोत आया, एक गांव से धीन गांव यहाँ नजदीक है, आज ओलंपिक का पदक आ गया, कांस्य पदक बिल्कुल आ गया जी। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। अभिषेक सर ने बहुत मेहनत कराई है जी, और सरबजोत की बहुत लगन है जी, बहुत मेहनत की है जी, जब जाके इस मुकाम पे पहुंचे है जी। क्या सफर रहा 2016 में जब पहली बार सरबजोत आया? जब सरबजोत पहली बार आया था जी, तो वो एक बिल्कुल ही जैसे होता है ना, बिल्कुल बच्चा आया था जी और कुछ नहीं पता था शूटिंग के बारे में। उसके बाद उसने उस फ्लो को इस तरह से खींचा, पूरी मेहनत की है जी शूटिंग के अंदर, फिर मेडल से मेडल, मेडल मेडल पे मेडल, मेडल पे मेडल लेके आता रहा। अच्छा, एक राज की बात बता दें आपको, जब एशियन गेम्स से मेडल, एशियन गेम्स से मेडल आया तब भी आपको नहीं पता था बेटा एशियन गेम्स खेलने गया? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। कैसे पता लगा फिर भाई? ये पता, इतना पता नहीं करते जी, हम तो जी गोल्ड का या सिल्वर का जो भी है मेडल है इंतजार कर रहा हूँ, फोन का इंतजार कर रहा हूँ। फोन पे पता लगता है? हाँ जी, फोन पे पता लगता है। पर ये लाइव देखने में क्या लगता है कि बेटे को सामने खेलता दे नहीं सकते? सर पहले तो चलो आज मैं बेला था जी, मैं तो खेती का कम ज्यादा हुआ जी, देखा टाइम खेती करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, खेती का टाइम ज्यादा। हाँ जी, अब स्वागत कैसे करेंगे, किस सोचा कुछ? स्वागत फूल माला के साथ स्वागत करेंगे जी। अच्छा, ढोल बजा जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी सर जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सफलता पर मनु भाकर और सरबजोत दोनों को ही बधाई दी है। सोशल मीडिया के जरिए ये बधाई दोनों ही भारतीय खिलाड़ी को। तो कोरियन खिलाड़ी को शिकस्त देते हुए इस मिक्स्ड डबल में इन्होंने ये जीत हासिल की और कांस्य ने नाम कर लिया। मनु भाकर और सरबजोत की इस उपलब्धि पर, इस जीत पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी। पेरिस ओलंपिक में भारत के नाम एक और पदक जुटा हुआ, इतिहास देखिए जिसमें मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक में दो दो मेडल भारत को दिलाए और अपने नाम भी किया।